ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एनसीसी कैंडेटों ने बुधवार की सुबह महारानी अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने इस पल को काफी यादगार पल कहा। सम्मान के बारे में जानकारी देते हुए मेजर अनुजा चतुर्वेदी ने बताया कि बस्तर में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाए जाने का सबसे बड़ा कारण कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ में सभी लोग सुरक्षित हैं। एक ओर जहां अन्य देशों में काफ़ी कोरोना मरीजों की संख्या को देखा गया, वहीं छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम मरीज पाए गए। इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए वह भी कम है। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वीआईपी को दिया जाता है, जबकि आज गार्ड ऑफ ऑनर इन चिकित्सकों को दिया गया। इन चिकित्सकों की बदौलत ही सभी लोग सुरक्षित होकर रह रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विवेक जोशी ने इस उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद दिया। श्री जोशी ने कहा कि 35 वर्ष से इस कार्यकाल में पहली बार इस बीमारी को देखा गया है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। अस्पताल परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद भी किया। इस कार्यक्रम में एक सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल, 9 सीजी बटालियन धर्मपुरा, 2 एनसीसी अधिकारी कन्या क्रमांक 2 हायर सेकेंडरी घाट लोहोगा, पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि सभी जगह के मिलाकर करीब 20 एनसीसी कैंडिडेट्स मौजूद थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। मैं एनसीसी ऑफिसर 110 बटालियन की, मैं एडम ऑफिसर मेजर अनुजा चतुर्वेदी। मैम जो अभी जो आज के दिन हमारे कैडेट्स सब मिल करके हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर देंगे हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को। ये इनकी वजह से ही आज हमारा स्टेट या हमारा जो राज्य है, क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़, ये हमारा इन्हीं की वजह से सुरक्षित और स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने कम से कम केस हैं, शायद इन लोगों की मेहनत और जद्दोजहद की वजह से ही हम लोगों के ज़्यादा सब पूरे इंडिया में सबसे कम केस हमारे यहाँ हैं। सिर्फ इसी इसका कारण ये लोग है। इनकी जितनी ही तारीफ और जितना ही इनका उत्साह हम लोग बढ़ाएं उतना कम है। इसके लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से एक प्रोत्साहन किया है कि हमारे कैडेट्स आज सभी यहाँ खड़े होकर के उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। और आप सभी को पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर की वैल्यू क्या है। ये किसी वीआईपी या बहुत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आपने टीवी पर देते हुए देखा होगा, उसको ये उस लेवल की एक्टिविटी है। उसको हम लोग ये सम्मान देकर के हमारे कैडेट ये जताएंगे कि उनकी अहमियत हमारे दिलों में कितनी बड़ी है डॉक्टर्स की और उनके सहयोगियों की। मैडम लगातार, हाँ, हमारे एनसीसी कैडेट के द्वारा तो हमने 15 दिन का अभियान रखा है। हर दिन अभी हमने कल मतलब 4 तारीख को इन लोगों की रैली निकाली, 5 को इनकी ट्रेनिंग करवाई, 6 को आज हम लोग इन डॉक्टरों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। और इसी तरह से हमारा प्रोग्राम 3-3 दिन का ऐसे से बढ़ता जा रहा है और हम उसके मुताबिक इनको 15 दिन तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके अवेयरनेस फैला रहे हैं पूरे सिटी में कि जो डॉक्टर्स और समाज अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो चल रहा है कि किसी तरीके से ये और ना फैले। और हमारे कैडेट्स भी इसमें उनका सहयोग दे रहे हैं, सारे सरकारी कर्मचारियों का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मैसेज जा सके टीवी और इसके माध्यम से कि मतलब एक दूसरे, जो उनके मेन एम है कि आप दूर डिस्टेंस बना के रखो, है ना, पानी से हाथ धो, ये सब मैसेज हम लोग रैली के थ्रू, गार्ड ऑफ ऑनर के थ्रू, इस तरह से जिससे कि लोग देखें और समझें कि इसकी वैल्यू क्या है और जिस तरह से अपना स्टेट बना हुआ है उसको वो मेंटेन रखें। मैम क्या डॉक्टर को, हाँ, हम लोग एक मोमेंटो देंगे उनको कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के इतने बिजी शेड्यूल में से आकर के हम लोग को इतना समय दिया, तो उनको एक अपनी अपनी क्या मतलब याद स्मृति की तरह से उनको एक मोमेंटो दे के जाएंगे जिससे कि वो उसको हमेशा याद रखें। मैं डॉक्टर विवेक जोशी, सिविल सर्जन महारानी अस्पताल जगदलपुर और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ जगदलपुर बस्तर संभाग। सर, जो आज आप लोगों का सम्मान हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जो टीम है हमारी, उसको वो जो लड़ रहे हैं उसके लिए एनसीसी के जो कैडेट्स हैं और उनका परिवार, जिस तरह से उन लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया, हम उससे गदगद हैं। और ये जाहिर बात है कि ये बीमारी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, यानी ज़िंदगी में हमने कभी तो अनुभव इसके पहले ऐसा किया नहीं था। और जो भी हैं देख रहे हैं इस बीमारी को, उनके लिए ज़िंदगी भर का अनुभव रहेगा। और ये खतरनाक बीमारी है और इससे लड़ने में जो लोग आगे आ रहे हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सर, जो अभी कोरोना के बाद हुआ, आप घर परिवार छोड़ के आ गए हैं? नहीं, अब जब हमने स्वास्थ्य विभाग में कमर कस लिया है
ये किसी भी बीमारी को दूर करेंगे। तो हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनमें अभी किसी प्रकार का डर अब है नहीं।